कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास दुबे के किले नुमा मकान को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। जिस जेसीबी को खड़ा कर पुलिस को गांव के अंदर जाने से रोकने का प्लान विकास दुबे गैंग ने बनाया था, उसी जेसीबी की मदद से 10 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने पूरे घर को तोड़ दिया। पुलिस ने इसके किले नुमा घर के कोने कोने को छाना और यहाँ से कई चौंकाने वाली चीज़ें और जानकारी सामने आई। नए मकान से जुड़े हुए पुराने मकान के कमरों को गैंग ने बिल्कुल बंकरों की तरह बना रखा था। यहाँ पर खाने पीने की कई चीज़ें भी बरामद हुई हैं, साथ ही बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस की माने तो घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे और उसके साथी इसी बंकर नुमा घर में आकर छुप जाया करते थे। इस घर में नौकर का परिवार भी रहता है और बाकी का कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता था कि कोई यहाँ रह सकता है। इस घर में लगी खिड़कियाँ सड़क को छूती हुई दिखाई देती हैं, जिससे बाहर होने वाली गतिविधियों को आसानी से देखा जा सकता है कि बाहर क्या चल रहा है। वहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो बाहर और पूरे घर के चारों तरफ होने वाली गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है। आपको बता दें कि इस घर में विकास दुबे ने दीवारों में तमंचे और पिस्टल चुनवा कर रखे थे, साथ ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास के घर में बड़ी संख्या में हथियार हैं और इन सभी हथियारों को बरामद करने के उद्देश्य से पुलिस ने विकास दुबे के घर को ढा दिया। पुलिस ने मौके से बम बनाने की सामग्री और बड़ी मात्रा में कीलें जब्त की है। पुलिस का ये भी कहना है कि विकास दुबे इतनी मात्रा में अपने घर में विस्फोटक रखकर पुलिस को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था और आशंका ये भी जताई जा रही है कि किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता भी इसमें हो सकती है। अगर किसी पुलिसकर्मी की इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसे पकड़ने के लिए नेपाल से लेकर नोएडा बॉर्डर तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं विकास दुबे पर लगाई गई इनामी राशि को बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।